उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के अंतर्गत बुधवार को राज्य कर्मचारी ने कार्यालयों में तालाबंदी कर हड़ताल किया और नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना दिया। राज्य कर्मचारियों की मुख्य मांग नई अंशदायी पेंशन योजना को निरस्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने को है। राज्य कर्मचारी ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए जमकर नारेबाजी किया। हड़ताल में भारी संख्या में राज्य कर्मचारी अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पुरानी पेंशन बहाली मंच के चेयरमैन भारतेंदु यादव ने कहा, माननीय मुख्य सचिव ने एक हड़ताल पर जाएंगे, हम पे जहाँ 20,000 कर्मचारी धरने पर है, हड़ताल पर है, आपका कोई कानून काम नहीं करेगा। अगर आपने दीजिए हमारी पेंशन बहाल कर दीजिए, नहीं तो निश्चित है जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 कार में कर्मचारी परिषद के चेयरमैन भारतेंदु यादव बोल रहा हूँ। बताना चाहता हूँ कि आज दिनांक रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 6 तारीख से आगामी 12 तारीख तक महाहड़ताल हम लोग कर रहे हैं। आज गोरखपुर ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश बंद है और बंदी का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, पुरानी पेंशन बहाली। हम शासन से सत्ता से मांग करते हैं कि जो हमको पुरानी पेंशन पहले से मिलती आ रही थी वह पुरानी पेंशन हमको वापस कर दिया जाए, और जो सांसद विधायक एक दिन के लिए भी मनोनीत होते हैं उनका उनको पुरानी पेंशन दिया जा रहा है, और हम कर्मचारियों का जो 60 साल की सेवा करते आ रहे थे पुरानी पेंशन छीन ली गई है, उसी के लिए महाहड़ताल चल रहा है। हम लोग समस्त कार्यालयों को बंद करके आज महाराज लक्ष्मीबाई पार्क में इकट्ठा होकर के महाहड़ताल को कर रहे हैं।